आज मैंने वियर करी है ये रेड साड़ी। कल आदि बनेगा लांगुर हमारे घर में, है ना। कितने रुपए कमा के लाई है हम? मैंने कहा आप भी करते हो। रिद्धि को 10,000 रुपए मिले कन्या से। मैं एक सूट लेने आई हूँ दीदी के लिए यहाँ पे। तो दीदी ने सूट ट्राई कर लिया है। मैं सबसे पहले आदि को खाना खिलाऊंगी, है ना। सुबह के 5:15 हो रहे हैं, वेट कर रही हूँ कन्याओं का। हमारे घर कन्याएं पधार रही है। ऋत्विक एंड फैमिली, थैंक्स। नमस्कार, जय माता दी। आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज है दुर्गाष्टमी और आज मैंने व्रत रखा है। मैंने पहला और ये 8वें दिन का व्रत रखा है और कल मैं कन्या पूजन करूँगी। तो आज मैंने वियर करी है ये रेड साड़ी। कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अभी मैं नहा धोकर रेडी हो चुकी हूँ, बस पूजा पाठ करनी है और फिर अपना दिन का जो भी कार्य होगा वो मैं आपको दिखाऊंगी। कुछ एक सामान भी लेकर आना है मुझे कन्या पूजन के लिए। तो जो जो भी मेरा दिन रहेगा आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए बने रहिएगा पूरे व्लॉग में। सबसे पहले करते हैं पूजा पाठ, चलिए। सो फ्रेंड्स, मेरे साथ साथ गायत्री दी का भी फास्ट है और हम दोनों ने फर्स्ट एंड 8वें दिन का व्रत रखा है। और आदि भी नहा धोकर ना हमारे साथ आ चुका है यहाँ पूजा में बैठने के लिए। इसकी दीदी गई है कन्या पूजन के लिए। आज 8वें दिन भी यहाँ हमारी कॉलोनी में कुछ लोग कन्या पूजन करते हैं, तो रिद्धि वहाँ गई है और हम लोग करेंगे कल। आदि बनेगा लांगुर हमारे घर में, है ना। आदि जिद कर रहा था कि मुझे भी जाना है दीदी के साथ, तो इसको मैंने कैसे ना कैसे करके कंट्रोल करा और इसको यहीं रखा। तो चलिए पूजा पाठ। पूजा पाठ हो गई हमारी संपन्न और रिद्धि भी आ चुकी है। रिद्धि ना आज 5 जगह गई थी और ये मुझे दिखाने वाली है अपनी इनकम, कितने रुपए कमा के लाई है। मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ ये कह रहा है। मैंने कहा आप भी करते हो, कह रहा नहीं। शर्म नहीं आ रही बोलने में। पेंसिल मिली। हाँ, रिद्धि दीदी को एक पेंसिल मिली है, पेन भी मिल गया, वाओ। और 10 रुपए, फिर 10 रुपए, 10 रुपए नकली पैसे दे दिए उन्होंने। किसने दिए नकली पैसे? रिद्धि को मिले। रिद्धि को 10,000 रुपए मिले कन्या से। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग जा रहे हैं रामनगर और पीछे अंकल आंटी भी बैठ रहे हैं हमारे साथ। वो भी जा रहे हैं रामनगर को और हमें जाना है सामान लेने कल की तैयारियों के लिए। दीदी सोनिया और दीपू भी आ रखे हैं आज मार्केट में शॉपिंग करने के लिए और आदि भी आया है मेरे साथ में। आदी, तो हम लोग यहाँ से शॉपिंग करते हैं कुछ। चलो फिर चलो आ जाओ। तो फ्रेंड्स, अभी हम आए हैं एक शॉप में और यहाँ ना मैं हमेशा करवा चौथ पर कमला दी को देती हूँ, सुहागन को देते हैं ना एक जोड़ा कपड़े मतलब और बाकी चीज़ें, तो मैं कमला दी को देती हूँ हमेशा। तो मैं एक सूट लेने आई हूँ दीदी के लिए यहाँ पर फिलहाल और देखते हैं कौन सा पसंद आता है। दीदी ने अभी ट्रायल करने के लिए एक सूट पसंद आया है और हम यहाँ इस शॉप में आए हैं जो कि बहुत ही अच्छी शॉप है। तो दीदी ने सूट ट्राई कर लिया है। फ्रेंड्स, एक सूट पसंद आ गया है दीदी के लिए और अब चलते हैं बाकी छोटी मोटी शॉपिंग करने के लिए। तो फ्रेंड्स, शॉपिंग वॉपिंग सब हो चुकी है और अभी हम आए हैं कुंदन में कुछ ना कुछ स्नैक्स वगैरह लेने के लिए और मैं तो सिर्फ लस्सी लेने वाली हूँ कि मेरा फास्ट है इसलिए। आदि ने कब्जा कर लिया है भैया की लस्सी पर है। सो फ्रेंड्स, हमारा मार्केट का सारा काम हो चुका है और अब हम लोग जा रहे हैं घर को। दीदी लोग जाएंगे बस में क्योंकि उनको यहाँ से डायरेक्टली ऑटो नहीं मिलेगा और हम लोग बैठेंगे ऑटो में। पापा को लगेगा टाइम आने में तो पापा जी बाद में आएंगे, तो हम लोग चलते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं और आदि पहुँच चुके हैं घर। इनके पापा थोड़ा लेट आएंगे, अभी तक पहुँचे नहीं है वो घर। और मैंने ना अभी यहाँ पर कॉलोनी में कुछ एक बच्चों को बोल भी दिया है कि कल सुबह 7 बजे पहले हमारे घर आना कन्या पूजन के लिए, उसके बाद कहीं और जाना। तो रिद्धिमा इस वजह से तूने बोला रियांशी को हमारे घर आना करके, रियांशी की मामा बोल रही थी मुझे। तो इस टाइम पे अब पूजा आरती का टाइम हो चुका है तो हम लोग यहाँ मंदिर में आ चुके हैं पूजा आरती करने के लिए। तो जल्दी से दिया आरती करते हैं और फिर डिनर की तैयारी करते हैं। सो फ्रेंड्स, पूजा
पार्ट भी हो गई है और मैंने ना आज रखा है आलू उबालने के लिए, तो मैं आलू की सब्जी बना रही हूँ और यहाँ पे चाय बन रही है। पापा जी आ चुके हैं बच्चों के, तो चलो अब मैं दिखाती हूँ दीदी और इनको कि मैं कमला दिखने कौन सा सूट लाई हूँ आज, और इनका झगड़ा चल रहा है क्योंकि विद्धि के लिए ना मैंटोस जो मैं लाई थी ना उसकी नज़र आती थी, तो झगड़ा हो रहा है। तो यहाँ दीदी देखिए सूट, ये कुशन ना सब बच्चे गिरा के रखते हैं यार, ये खोलो खोलो दी खोलो। तो ये वाला सूट पसंद आया दीदी को, दीदी ने ट्राई भी किया था ये सूट, खोल के देखो पूरे प्योर कॉटन देख रहे हो, पति पति देखो अच्छा लगा। यस करो करो शॉट का, अरे चुन्नी इतना झगड़ा खत्म नहीं होगा बाय गॉड। आधी क्लैपिंग कर दे आप, मस्त। फ्रेंड्स मैंने हस्बैंड जी को और दीदी को दिखा दिया है ये सूट, तो उनको भी अच्छा लग रहा है। और अब मैं आ चुकी हूँ रूम में, मैंने खाना पीना रख दिया है और मैं सोच रही हूँ साड़ी चेंज कर दी क्योंकि मेरे पूजा पाठ हो चुकी है और मुझे ना इतना साड़ी वाड़ी पहनने की हैबिट नहीं है, हालांकि ये लाइट साड़ी है बहुत हल्की है तो मैं इसको इसलिए मैनेज कर पा रही थी, लेकिन चेंज कर लेते हैं इस टाइम पे, सूट पहन लेती हूँ और खाना बनाते हैं आराम से कंफर्टेबल होके। सो फ्रेंड्स मेरा खाना पीना बन चुका है और आज मैंने बनाई है आलू की तली वाली सब्जी ये, और मैंने ना अब यहाँ मंदिर के लिए और पितरों के लिए रख निकाल देती हूँ, उसके बाद हम लोग भी खाना खाएंगे। तो ये मंदिर में भी रख देती हूँ मैं। तो अब आदि को बहुत ज्यादा भूख लग गई है, तो मैं सबसे पहले आदि को खाना खिलाऊंगी, है ना, भूख लगी है आपको, चलो आ जाओ। सो फ्रेंड्स सब लोगों ने खाना खा लिया और बस मेरा खाना बचा है, तो मैं भी करती हूँ अब डिनर, रात के 9 बजने वाले हैं। चलिए रिद्धि का अभी तक फिनिश नहीं हुआ क्योंकि रिद्धि खेल लगी पड़ी है। रिद्धि ने एक टूटा हुआ क्यूब जोड़ दिया और घर पूरा फैला दिया, यहाँ देख सकते हो क्वेश्चन भी बच्चों के साथ ऐसे रहता है आदि के काम में। सो फ्रेंड्स आदि को ना बहुत ज़ोरों से नींद आ रही है, रात के 9:30 बज चुके हैं और मुझे सुबह जल्दी उठना है 4 बजे, क्योंकि सबसे पहले इस बारी हमारी कॉलोनी में हमारे घर में कन्या पूजन होने वाला है सुबह 7 बजे, तो जल्दी से सोना पड़ेगा और फिर जल्दी से उठना पड़ेगा। सो फिलहाल हम लोग सोते हैं और मिलते हैं आपसे कल सुबह द नेक्स्ट मॉर्निंग। सो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग और आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और साथ साथ में आज माता रानी का भी आज नवा दिन है नवरात्र का, तो मैं हो चुकी हूँ रेडी उठकर, सुबह के 5:15 हो रहे हैं, मुझे करनी है खाने की तैयारी और साथ में चाय भी लेती हूँ क्योंकि मुझे हस्बैंड जी को भी उठाना है, 5:30 होने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले तैयारियाँ करते हैं खाने पीने की और उसके बाद फिर मैं साड़ी वाड़ी पहन के पूजा करूँगी। ये सब बर्नर ऊपर मैं आटा ओढ़ देती हूँ पूड़ियों के लिए, तो मैंने इसमें ना अजवाइन कसूरी मेथी और थोड़ा सा नमक डाला है, चलो इसको और क्या, चने भी बन चुके हैं, चाय में दूध डालना है और आलू भी उबल चुके हैं। फ्रेंड्स अब मैं ना थोड़ा सूजी भूनने वाली हूँ, तो ये कल गायत्री दी ने ही घी बनाया था घर में, तो मैं इसी से ही अभी हलवा बनाने वाली हूँ और उसके बाद मैं जाकर पूजा करने के लिए, क्योंकि 6 बज चुके हैं अब देर भी हो रही है, दीदी यहाँ बर्तन धो रही है और बच्चे उठ चुके हैं, रिद्धि उठ चुकी है, आदि नहीं उठा है, तो जल्दी से पूजा करते क्योंकि 6:30 हो चुके हैं। मैं हो चुकी हूँ रेडी साड़ी वाड़ी पहन के और मैं आ चुकी हूँ मंदिर में, तो चलिए पूजा पाठ करते हैं और आदि भी उठ चुका है, बस ये दोनों रेडी हो रहे हैं, चलो पूजा करते हैं। फ्रेंड्स मैंने पूजा पाठ भी कर दी है और इनके पापा चले गए हैं कन्याओं को लेने के लिए, साथ में रिद्धि भी जा रही है अपने कुछ फ्रेंड्स को लेने के लिए और मुझे सिर्फ पूरियां बनानी है, तो मैं जल्दी से पूरियां बनाती हूँ और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। सो फ्रेंड्स मेरा सब कुछ रेडी हो चुका है, 7:30 हो गए हैं, एक्चुअली ना कुछ कन्याएं थी जो उस टाइम पे तैयार हो रही थी तो थोड़ा लेट ही आए, इसलिए मैंने भी लेट शुरू करा है, अभी कुछ हुआ नहीं है, पूड़ियाँ वूड़ियाँ सब कुछ बन चुका है मेरा खाना पीना और बस
वेट कर रही हूँ कन्याओं का। तो कुछ एक कन्याएं आ चुकी हैं, जैसे कि ये फर्स्ट आदि की फ्रेंड आरू ना, यहाँ रियांशी और रियांशी की बहन सानू, और यहाँ एक बच्चों को पहले मतलब हमारे बाद इनके घर जाने वाले हैं। क्लिप लगाई है, ये बता रही है मैंने क्लिप लगाई है। क्लिप कहाँ से आई? मम्मी ने लगाई है। मम्मी ने लगाई है। हमारे घर कन्याएं पधार रही हैं, पापा जी लेकर आ गए, और ये बच्चे ये तो ये पांच कन्याएं। ये पधारो जल्दी से कन्याओं, घर में पधारो हमारे। सो फ्रेंड्स, नौ कन्याएं पूरी हो चुकी हैं और एक मेरा लांगूर कहाँ है ये है। तो चलो अब पूजा शुरू करते हैं। हमारे घर में और अभी कन्याएं जा रही हैं इनके घर में, दोनों भाइयों के घर में। सो चलो फिर आशीर्वाद देंगे, अभी आशीर्वाद लेंगे यार। कन्या पूजन हो गई है और हम लोग भी फ्री हो चुके हैं। अब ये कन्याएं सब जा रही हैं जोशी जी के घर। अब चलते हैं, हम लोग भी अपना भोजन पानी करते हैं। 8:30 बजे सुबह के हमारा सब कुछ निपट चुका है काम वाम, और बस अब मुझे हमारे लिए पूरियां बनानी है। फ्रेंड्स, खाना पीना सब बन चुका है, इन्होंने भी खाना खा लिया, दीदी ने भी खाना खा लिया, मैं बची हूँ बस। और मैं ना अभी जा रही हूँ पड़ोसियों के घर में पीछे, तो मैंने ये कुछ खाना पैक कर रखा है अपने पड़ोसियों के लिए, क्योंकि उनका इस बार छाया लोगों की कन्या पूजन नहीं है, मतलब त्यौहार नहीं है, और आरू इनका भी उन्होंने सेलिब्रेट नहीं किया था, तो मैंने सोचा मैं देखे जाती हूँ अपनी तरफ से। तो मैं चलती हूँ पहले वहाँ और उसके बाद मैं भी खाना खाऊंगी। तो यहाँ मनवा चल रही है, मनवा तो हंसाई ने। ओके, इस टाइप से होता है कुछ है? ओके, देखो सुबह से ऐसी पे लगे तभी तो मेहनत का फल मीठा होता है। लो तुम्हारे मीठा फल लाई हूँ मैं। मीठा फल एकदम से हमने खाना भी नहीं बनाया, तभी तो लाई ना वाले। हाँ, इनका चल रहा है कारोबार, और उनको तो दे दिया मैंने खाना, उन्होंने नाश्ता भी नहीं किया था, और मैं जा रही हूँ आरू इनके यहाँ। तो बोलते हैं नया मैंने नाश्ता करना, सबने कर लिया नाश्ता, मैंने नहीं करा बस। अच्छा भैया नहा रहे, और तुम रोटी बना, रोटी कम कम बना। सो फ्रेंड्स, चलो अब सबको दे दिया मैंने, और अब चलते हैं घर, मैं भी नाश्ता करती हूँ। अच्छा सो फ्रेंड्स, मैं पड़ोसियों को भी देकर आ गई हूँ प्रसाद, और अब मेरी बारी है, मैं भी खाती हूँ। सबने खाना खा लिया है, 9:30 बज रहे हैं सुबह के, और मेरा सारा काम निपट चुका है, और बच्चे भी चले गए हैं और रुके हैं। मैंने 7 बजे का टाइमिंग दिया था, लेकिन 7:30 बजे तक बच्चे आए थे, और आराम से 8:30 बजे तक अच्छे से खाना खा के गए बच्चे। और तो काफ़ी अच्छा लगता ना सुबह सुबह, अगर जल्दी हो गए तो हो गया, फिर लेट में तो बच्चे बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, फिर कहीं खाना भी नहीं खाते हैं। तो ऐसा कुछ है आज का ब्लॉग में, और ये वाला ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे इसी तरह नए वीडियो तक के लिए, बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।